उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होली नहीं खेली जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय का यह आदेश सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। देखिए, एक पत्रक जारी हुआ चीफ प्रॉक्टर कार्यालय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, जिसमें होली खेलना, होली में संगीत बजाना, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित की गई है। ये बड़ा हास्यास्पद तथ्य है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय अगर हिंदू त्यौहार नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा। दरअसल जब से ये कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन यहाँ आए हैं, तब से विश्वविद्यालय में हिंदू त्यौहारों, हिंदू प्रतीकों और हिंदू आस्था का असम्मान करने का जो है चलन चल चला है, और उसी जो है श्रृंखला में ये भी किया गया है, और ये निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। और छात्र होली मनाएंगे, अगर प्रशासन को जो करना है करे, अगर उनको सस्पेंड, अगर होली मनाना अपराध है इस देश में, अगर हिंदू त्योहारों को मनाना अपराध है, हिंदुओं की आस्थाओं को संरक्षित करना अपराध है, तो अपराध करने को हम तैयार हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन जो एक्शन लेना चाहता है ले ले, हम होली मनाएंगे, और हम ये चेतावनी भी देते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को कि वो रोक ले हमें होली मनाने से, हम पे कार्रवाई कर दे। नहीं, ये पहली बार के जब से कुलपति महोदय हैं तब से लगातार सनातन धर्म के अंग प्रत्यंगों पर लगातार आघात कर रहे हैं और हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं, छीन रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपने जो हमारे सामाजिक, हमारे धार्मिक जो अधिकार हैं, अपने पर्व और जो है कि उत्सव मनाना, उसको भी वो छीनना चाहते हैं। और लगातार जो है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सरकारी पैसे से इफ्तारी पार्टी का आयोजन वो कर सकते हैं, लेकिन वो होली दूसरों को खेलने नहीं दे सकते और खुद होली नहीं खेल रहे। काशी जो ज्ञान की नगरी है, जो संगीत की नगरी है, जो प्रभु की पावन नगरी है, वहां पर होली नहीं मना सकते आप। ये फरमान किसका है पता है? काशी के हिंदू विश्वविद्यालय का। सोचिए, जिस त्योहार के माध्यम से सामाजिक समरसता का, एक अटूट बंधन का, अनेकता में एकता का, विश्व बंधुत्व का भाव संपूर्ण विश्व को दिया जाता है, उस त्यौहार को आप विश्वविद्यालय के अंदर प्रतिबंधित कर रहे हो। जिस विश्वविद्यालय के द्वारा इसको प्रमोट किया जाना चाहिए था ऐसे त्यौहार को, और सभी लोगों को मिलजुल करके, जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, निर्धन हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, उनको साथ लेकर के इस त्यौहार को और उत्साहपूर्वक मनाने का जो बीड़ा उठाना चाहिए था, वो विश्वविद्यालय ऐसे त्यौहार को प्रतिबंधित कर रहा है। अब इस पर VHU के मुख्य प्रॉक्टर प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने कहा है कि यहाँ कई लोग आते हैं जिनका विश्वविद्यालय से सीधा संबंध नहीं होता। इन लोगों के साथ जबरन होली न हो, उनके लिए सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने से मना किया है। कोई विरोध इसलिए नहीं है कि इस विश्वविद्यालय में, ये दूसरे विश्वविद्यालयों से अलग है, इस विश्वविद्यालय में बहुत तरह के लोग, 50,000 लोग आते हैं बाहर के, जो जिसका विश्वविद्यालय से सीधे संपर्क नहीं रहता है। हॉस्पिटल में आते हैं, मंदिर पे आते हैं, और विश्वविद्यालय में भी आते हैं, नॉर्मल घूमने के लिए आते हैं। तो विगत वर्षों में क्या होता था कि वो आते थे घूमने के पर्पज से, और हमारे छात्र किसी जुलूस में सड़क से गुजर रहे होते थे तो उनके ऊपर होली फेंकते थे और वो जबरन तरह का होली हो जाता था। तो उसको हम लोगों ने सार्वजनिक जगह पे मना किया है, होली मना नहीं किया। हम लोग बड़ी व्यवस्थित तरीके से, और सारे छात्र संतुष्ट हैं, हर जगह मनाई जा रही है, रोज़ फैकल्टी, हर फैकल्टी में मनाई जा रही है। अभी हम लोगों ने मधुबन में करीब 500 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ इकट्ठा होली मना रहे थे, उसको कम्प्लीट किया। कल ही अभी विधि संकाय में कंप्लीट किया, और अलग अलग संकाय में चल रहे हैं, टीम मॉनिटरिंग कर रही है। बच्चों से निवेदन ये किया जा रहा है कि सड़क पर ना जाए, जो हमने नोटिफिकेशन में सार्वजनिक जगह बताया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर का हर आदमी, हर परिसरवासी को पता है कि सार्वजनिक जगह यहाँ क्या है। यहाँ सड़क सार्वजनिक है, मंदिर सार्वजनिक है, और हमारा हॉस्पिटल सार्वजनिक है। इसको छोड़ करके हमारे परिसर में कोई जगह सार्वजनिक नहीं है। कोई फैकल्टी है तो डीन उसका, डीन ओन करता है, डीन के डायरेक्शन पे चलता है। कोई छात्रावास है तो उनके वार्डन उसको ओन करते हैं, और उस जगह पे बच्चों को पूरी फ्रीडम है, पूरी छूट है। और एक अलग डीन ऑफ स्टूडेंट कार्यालय से अलग भी होली कैसे मनाएंगे उसके लिए भी एडवाइजरी उनको जारी की गई है। तो होली प्रतिबंधित करके जो न्यूज चल रहा है, मेरे नोटिफिकेशन में भी प्रतिबंधित का नहीं है, केवल सार्वजनिक जगह पे ना खेलें, जिससे कि सामान्य जन को दिक्कत ना हो,
और वो बड़ी खुले तौर पे होली मनाए परिसर में, हम लोग उसके लिए सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं।